बाल विकास सेवा एवं पोषाहार विभाग की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विभाग के निर्माणाधीन परियोजनाओं एवं पोषाहार वितरण की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। यदि वे कमजोर एवं कुपोषित होंगे तो देश की प्रगति और विकास भी प्रभावित होगा। इसलिए जरूरी है कि इस मिशन को इसके सही अर्थों में लिया जाए और बच्चों की कुपोषण संबंधी समस्या का पूरे मनोयोग से निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा मुख्य सेविका अपने कार्यों को सेवा कार्य समझकर पूरी लगन व निष्ठा से संपादित करें। आंगनबाड़ी केंद्र नियमित रूप से खोले जाएं तथा आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने कार्यों में लापरवाही करने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में CDO इंद्रजीत सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसी क्रम में रूरल सेक्टर बनाए हैं सर, उसको ठीक कर रहे हैं। अभी हमारे पास सर 18,000 से 12,000 बच्चों का सर्व है, तो पूरा डिटेल आ गया है कि कितनी योजना में आता है सर। बाकी 6,000 की नहीं है, बाकी 6,000 सर अभी ये सर एक महीने में रूरल सेक्टर 18,000 बच्चों का नहीं भर पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? 18,000 बच्चों का भी डिटेल एक महीने में नहीं भर पा रहे। 145 हुए हैं क्यों मैडम? क्यों ना आपको प्रतिकूल पॉलिसी दे दो पर गौरव तिवारी कौन है? क्यों आपका 245 उम्र? नया क्या है? गूगल शीट भरने के लिए आपको क्षमता नहीं है तो आप कमीशन से पास कैसे होंगे? 285 उम्र आपके क्यों? जवाब तो दीजिए। अभी लोगों को पता चल जाए कि डिमांड बेस बन जाए, लोग अपने आप आने शुरू हो जाए कि मेरा बच्चा और इसमें अभी सभी CDPO क्या करेंगे, ये जो डेटा भरा है सही है नहीं है, ऑथेंटिक है, क्या करेंगे आप लोग इसमें? तो MIC से बात करेंगे, जैसे 1670 नहीं है आपने अभी तक दिया है, तो हर एक ब्लॉक में 500-600 होंगे, उनको आपको घुसाना है लिस्ट में, इन्हीं लोगों के लिए खास सुरक्षा अधिनियम, ठीक है? तो निकल इसमें जॉब का वीडियो को भी करना बहुत अच्छी बात है, जितना नीचे घुसते हैं ठीक है,